दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट कौन से टाइम पर ओपन होते हैं, किस कंट्री का मार्केट कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे उसकी क्लोजिंग होती है। क्योंकि दोस्तों, हमारे मार्केट सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक चलते हैं, लेकिन दुनिया भर के मार्केट हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से अलग अलग समय पर ओपन होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा मार्केट कितने बजे ओपन होता है। ये आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप जब कोई भी अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे और बीच में अगर किसी और कंट्री का मार्केट ओपन होने वाला है तो अगर वो मार्केट गैप अप हुआ तो हमारे मार्केट्स भी अपसाइड मूव दिखाते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई फॉरेन मार्केट डाउन साइड देता है, बड़ी डाउन साइड देता है, तो हमारे मार्केट भी उसी के अकॉर्डिंग डाउन साइड शो करने लग जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मॉर्निंग से। सुबह 5:30 बजे जापान, जो कि लैंड ऑफ राइजिंग सन है, सबसे पहले सूरज वहीं निकलता है, तो 5:30 बजे जापान का स्टॉक मार्केट निकी वो ओपन हो जाता है और साथ में ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक मार्केट और साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट भी ओपन हो जाता है। तो सुबह 5:30 बजे आपको इन तीन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर नज़र रखनी है। ये तीन एक्सचेंज सुबह 5:30 बजे ही ओपन हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 6:30 बजे सिंगापुर पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। सिंगापुर एक्सचेंज, जिसमें कि एसजीएक्स निफ्टी आपका लिस्टेड है, उसमें भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और 7:15 बजे हांगकॉन्ग का जो मार्केट है, हैंगसेंग, वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 7:00 बजे चाइना का मार्केट है, वो स्टार्ट हो जाता है। शंघाई जो उसका इंडेक्स है, वहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 9:15 पे अपना मार्केट ओपन हो जाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट। और जैसे ही 12:30 बजते हैं तो यूरोप के मार्केट ओपन होना शुरू हो जाते हैं। यूरोप का जो मार्केट है, जिसमें कि मेनली आते हैं जर्मनी का, फ्रांस का और यूके, ये तीनों जो मार्केट हैं वो 12:30 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का मार्केट और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये 1:30 बजे ओपन हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा 12:30 से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी वॉलाटाइल हो जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट। और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो जानते हैं कि ऑप्शंस में भी प्रीमियम्स कुछ ज़्यादा ही वॉलाटाइल हो जाते हैं। तो 12:30 से 1:30 बजे तक आपको स्ट्रिक्टली स्क्रीन पर ज़रूर रहना है। आपको ध्यान रखना है कि मार्केट वहाँ पर किस तरह से ओपन हो रहे हैं, क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट ओपन होंगे उसी के अकॉर्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट दोपहर के बाद की अपनी जो चाल है वो कंटिन्यू करेंगे। 1:30 बजे के बाद दोस्तों फिर 3:30 बजे तो अपना मार्केट क्लोज हो ही जाता है। उसके बाद आती है इवनिंग के बाद, सीधे 6:30 बजे ब्राज़ील का मार्केट बोवेस्पा ओपन होता है। 6:30 बजे वो ओपन होने के बाद 7 बजे यूएस के मार्केट्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें कि आपका डाउ जोन्स है, निकी है, S&P 500 है, सॉरी निकी नहीं है, नैसडेक है। यूएस के मार्केट में आते हैं नैसडेक, S&P 500, डाउ जोन्स, ये शाम को 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ओपन हो जाते हैं। इसके बाद दिन में सबसे लास्ट का जो मार्केट है, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग रात के 8 बजे स्टार्ट होता है, कनाडा का स्टॉक मार्केट, और वो दोस्तों रात के 2:30 बजे तक चलता है। यहाँ शाम को 8 बजे स्टार्ट होता है और रात के 2:30 बजे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, जब यहाँ पर 2:30 बजे होते हैं, जब हम लोग सो रहे होते हैं, तब तक वो मार्केट चलता है। तो इसी तरीके से यूएस का जो मार्केट है वो 7 बजे यहाँ से हुआ और 1:30 बजे तक चलता है। तो कभी भी जब हम मॉर्निंग में देखते हैं तो मोस्टली यही रोटेशन घूम जाता है, और मॉर्निंग में सबसे पहले जापान और सबसे लास्ट में कैनेडा। अब दोस्तों इनको अगर आप रिमेंबर करना चाहते हैं, इनको रिमाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैं हमेशा अपने टिप्स पर रखूँ, मुझे बार बार सोचना ना पड़े, बार बार देखना ना पड़े कि कौन सा मार्केट कितने बजे ओपन होता है, तो इसके लिए दोस्तों एक आसान सी ट्रिक है। सबसे पहली बात, आपके माइंड में पूरे वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। एक मैप आपके दिमाग में रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप ही आपको सारी टाइमिंग रिमाइंड हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, ईस्ट ईस्ट में जापान आता है, और जापान के नीचे वाली साइड में ऑस्ट्रेलिया है, और जापान के पास ही साउथ कोरिया भी है। तो ये तीनों मार्केट्स मॉर्निंग में सबसे पहले ओपन होने हैं, यानी कि 5:30 बजे। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेस्ट की तरफ, तो फिर आएगा सिंगापुर, आएगा हांगकॉन्ग, आएगा और चाइना आएगा। ये तीनों ही मार्केट 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक ओपन हो जाते हैं। 6:30 बजे सिंगापुर का मार्केट, 7:15 बजे हांगकॉन्ग का मार्केट, और 7 बजे चाइना का मार्केट, ये तीनों ओपन हो गए। उसके बाद 9:15 बजे इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन हो जाना है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आप चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन मार्केट्स, जो कि 12:30 बजे ओपन हो जाते हैं। फिर आपको मिलेंगे स्विट्ज़रलैंड का मार्केट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, 12:30 से 1:30 बजे तक ये सारे ओपन हो जाते हैं। उसके बाद 3:30 बजे अपना मार्केट बंद होता है। फिर आप थोड़ा सा और वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मार्केट हैं वो ब्राज़ील का है, यूएस का है और कनाडा का है। ब्राज़ील का स्टॉक मार्केट 6:30 बजे और यूएस का स्टॉक मार्केट शाम के 7 बजे,
और कनाडा का सबसे लास्ट में रात में 8 बजे ओपन हो जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है, इससे आप पूरे दुनिया के मार्केट्स पर नज़र रख पाएंगे, उनकी टाइमिंग को मैनेज कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स में भी कुछ ना कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो बटन है उसको ज़रूर दबाना है आपको, जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना है और जो लाइक का बटन है उसको भी आपको प्रेस कर देना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास।